brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. किस तरीके से आप इसको देखती हैं और आगे ओलंपिक्स में भी क्रिकेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है? पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बचपन से देखते आ रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स और हमको उसमें खेलने का मौका मिल रहा है एज अ क्रिकेटिंग ग्रुप, तो बहुत ही एक्साइटिंग है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से है और फिर अगला ही मैच आर्च राइवल्स पाकिस्तान से, तो आप कितना, पहले ही दो मैच काफ़ी टफ इनकाउंटर्स हैं, तो कैसे टीम देख रही है? T20 में सारी टीम अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक ही टीम अच्छी है या लाइक हम चाहते हैं कि अपना बेस्ट दे हर गेम में. बस ज़्यादा अपेरेंटली यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया पाकिस्तान मैच और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए एशियन कम्युनिटी ने ही खरीदा है टिकटें, तो आपको ऐसा लगता है दैट इंडिया विल हैव अ लार्ज सपोर्ट एट द एजबेस्टन स्टेडियम और उससे आपको फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल. वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं तो सारे इंडियन फैंस होते हैं हमारे साथ, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ. उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हमको, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट को, तो बहुत मज़ा आएगा. Can I ask one question? पहले एक चीज़ पूछनी थी कि जब से रमेश पवार टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम के वैल्यूज़ और ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे काफ़ी काम हो रहा है, तो आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने क्या आइडेंटिफाई किया है कि ये चीज़ हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है या ये चीज़ हमारी टीम के वैल्यूज़ है? हाँ बिल्कुल. एज अ क्रिकेटर हम एवरी डे इम्प्रूव करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है, स्पेशली मुझे एज अ बॉलिंग कोच, और मैं बहुत ही इम्प्रूव हुई हूँ और मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करना. सो क्या आप एज अ टीम एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हो, और क्या इस बारे में टीम में चर्चा होती है कि अगर हमें खेलना है तो सिर्फ ऐसा नहीं खेलना है, सिर्फ इस प्रकार से खेलना है भले हारे या जीते? बिल्कुल. हम चाहते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, हर दिन सेंटीमीटर ठीक है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें, और हमको टारगेट सेट करना ही है, स्टैंडर्ड सेट करना ही है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को अगर हमको अच्छे इस पे लाना है तो हमको हर दिन उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. और आप ये बताइए कि विलेज में आप टेक्निकली नहीं रह रहे, आप एक होटल में रह रहे और बाकी सारी टीम्स में आते हैं, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कैसे कुछ अलग लगा नॉर्मल जो होटल कर? नहीं नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है. इससे पहले मल्टी नेशन जितने भी इवेंट्स रहते थे क्रिकेट नहीं होता था, तो कभी आप लोगों को ऐसे कभी ऐसे मिसिंग लगा है ना ओलंपिक से भी इसको होना चाहिए, काश एशियन गेम्स से भी होता, सीरियल टीम में भी होता, ऐसा कभी फील हुआ जब आप देखते थे बाकी सबको मेडल जीतते हुए? हाँ कभी कभी होता था जब ओलंपिक्स में स्पेशली, क्योंकि वो मेडल वो पहनना एक अलग ही फीलिंग है, और वो नेशनल एंथम बजता है स्टेडियम में पूरे, तो वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करना था. रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ ही हफ्तों में अगर ये मेडल जीते तो आप सारी टीम की इक्वेशन होगी अलॉन्ग विथ नीरज, अलॉन्ग विथ ऑल द ग्रेट गोल्ड विनर्स, टीम से क्या वाइब है ऐसे मोमेंट? जैसे कि मैंने बोला, वो अलग ही मोमेंट होगा अगर हमको वो मेडल मिलता है और वो अब नेशनल एंथम बजेगा, वो अलग ही वाइब है. कितना अलग आप भारत पाकिस्तान मैच को लेके देखते हो, भारत पाकिस्तान मैच को लेके हमेशा से जैसे हाइप रहा है? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक एक मैच जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. फाइनल थ्री क्वेश्चन सर, चूँकि अब पहली बार आप यहाँ पे खेल रहे हो, बायलेटरल सीरीज खेलना या फिर दूसरा आरसीसी के टूर्नामेंट्स खेलना एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग माइंडसेट है, कोच की तरफ से क्या कुछ बताया गया आपको कि यहाँ पर हमें क्या माइंडसेट रखना है, या फिर अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए कुछ उस पर बात हुई है? माइंडसेट तो सिंपल रखने को कहा गया है, और वही चीज़ हम फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि हमको, हम खाली देख रहे हैं कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, एक एक परसेंट भी बहुत मैटर कर रहे हैं, बस उस पर ही ध्यान दे रहे हैं कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं डे बाय डे. फाइनल टू स्नेहा एंड फॉलोड बाय रूपा. नई किट है, नए रंग है, प्लेइंग किट भी अलग है, कपड़े अलग है, फील अलग है, प्लेइंग किट आपने देखा है, व्हाट्स द फीलिंग कि ये अलग कपड़ों में इंडिया को रिप्रेजेंट करें?
एक्चुअली सिमिलर ही है, इतना कुछ ऐसा है नहीं, बट कॉमनवेल्थ में खेल रहे तो अलग ही फीलिंग है. जैसे मैंने बोला, वो अगर मेडल मिलता है और वो नेशनल एंथम बजेगा तो वो अलग ही फीलिंग होगी. राधा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो दैट बिकम्स अ मेंटल गेम आल्सो अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उनके देश से बाहर खेलना, बोस्टन में खेलना, आपको लगता है मेंटल एज, जहाँ इतने सारे इंडियन फैंस होंगे, मेंटल एज इंडिया के साथ रहेगा? सी, मैंने पहले भी बोला कि हमारे साथ हमेशा होते हैं फैंस, हम कहीं पे भी खेले तो इतना कुछ मैटर नहीं करेगा. हम अपना बेस्ट देना चाहेंगे पहली बार, और इतना कुछ मैटर नहीं करेगा. वैसे मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप.